because we all are violating the laws of nature again and again. We are stealing lives from our next generations by contaminating air. The loss is just irreversible, but who cares? You are so close to a bundle of diseases due to this pollution thing. We will show you this particular ignoring behavior in our following video, and let you be the best judge. जगह जगह कूड़ा करकट फैला हुआ है। यहाँ पे रिहायशी इलाके तो है, मगर लोग जरा सा भी इस बात से तैयार नहीं करते। आप देख सकते हैं हर जगह कचरा फैला हुआ है। वो देखें, अभी पीछे एक बाल्टी चले गए। हेलो भाई साहब, भाई साहब, ये भाई साहब कचरा आप किस जगह में आते हैं? यहाँ पे सब लोग रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। आपको क्या परेशानी है? अगर आपको कोई मसला है तो आप खुद उठा लो, यहाँ से हम लोग क्यों बोल रहे यार? थोड़ा बहुत मतलब हम लोग का फर्ज बनता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। हम लोगों को बुला लेते, उनके सामने फिर बात कर लेते यार। ये थोड़ी तरीका होता है कि हम लोग पूरा नाम लें सर, और फिर किसी की बात इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर चल रहे तो बात बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान कैसे तरक्की कर लेगा, ऐसे कैसे तरक्की कर लेगा? जब सब लोग यही कर रहे हैं तो मैंने भी नहीं करेगा यार। नहीं करना थोड़ी, तो एक आदमी हुकूमत में पड़ेगा। जैसे मैं तो कलर खराब हो गई, सर खत्म हो गया, खत्म हो गया पाकिस्तान, टाइम भी होगा पाकिस्तान। आप समझते रहो मुझे, मेरा टाइम की भाई। देखा आपने, ये है पाकिस्तान के लोग। ज्यादा समझाने बैठे हैं लोगों को, उल्टा हमारे पर सर पे करके बोला क्यों कर देते हैं? ऊपर आ रहे तो बोल रहे कि कुछ नहीं करते, जबकि सब की हालत देख सकते आप। ठीक ठाक हम लोगों ने अपने पाकिस्तान का पेड़ अगर किया हुआ। कहने के तो हम सब बहुत तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। हर शख्स के पास सेल फोन है, टेक्नोलॉजी है, मगर अब भी शायद हम हकीकी शौर से महरूम हैं। वो देखिए, वो ये दोनों कचरा फेंक के जा रहा ठीक है। अभी हम शुरुआत कर रहे थे कैसे उठा के आप देख सकते हैं। इतना सारा कचरा तो नहीं उठा सकते, लेकिन एक एक करके जरूर इस पाकिस्तान को सुधार सकते हैं। भाई साहब इसको आपके डस्टबिन में डालें, ताकि हम अपने पाकिस्तान को हेल्दी पाकिस्तान बना सकें और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का प्रूफ दे सकें। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए आपने, एक एक करके अगर पाकिस्तान में हर इंसान सुधर जाए, तो हम पाकिस्तान को अपने बहुत सुंदर और बहुत खुशहाल पाकिस्तान बना सकते हैं।